होते हैं जो बुक सम फिर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ तक पढ़ाया था नंबर लाइन फिर उसके बाद एक था ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक था पोजीशन टाइम ग्राफ ये तीन मेथड थे इसके आगे नहीं पढ़ाया मैंने सर पोजीशन टाइम ग्राफ पर पढ़ाया था आपने सर डिस्प्लेसमेंट तक हो गया सर वही तो मैं बोल रहा हूँ एक लेक्चर मिसिंग ना नहीं आया था सर डिस्प्लेसमेंट बता दिया था मैंने डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट यस सर डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल क्या था लेट्स रिकॉल व्हाट वाज डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में क्या था चलो मैं वापस रिकॉल हां डिस्टेंस ट्रेवल इन एन इंटरवल इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन दैट इंटरवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक इंटरवल दिया होगा आपको उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन इंटरवल इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल इन दैट इंटरवल राइट अच्छे से डिस्कस कर लिया था ना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लिया था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब किया था ना यस सर वेक्टर क्वांटिटी हमने बोला था इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग बताया था मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Initial position and final position, right? Initial position and final position. दूसरा क्या बताया था मैंने? This is पहली thing. Second thing, third thing was direction is from initial to final, right? ये भी बताया था. दूसरा क्या बोला था मैंने? फॉर मोशन इन वन डायमेंशन जब मोशन इन वन डायमेंशन की बात होती है तभी प्लस एंड माइनस से काम चलाते हैं फॉर इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टू लेफ्ट displacement is negative ye convention chala aa raha hai koi zabardasti nahi hai displacement is negative and if displaced to right displacement is positive ye humne sun rakha hai right hear me तो ये चीजें हमने पढ़ रखी थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में राइट अब आई एम नॉट श्योर वेदर हमने ये एग्जांपल लिख के देखा था कि नहीं तीन एग्जांपल छोटे छोटे देखेंगे जल्दी हो जाएंगे पहला हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम मैं बताऊंगा आपको एंड आई विल गिव यू अ टाइम इंटरवल इन विच यू हैव टू आंसर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट सो गिवन अ नंबर लाइन दिस इज सपोज x equals to 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3. You started from here. Suppose 12 o'clock you started from here. 12:10 you reach here. 12:20 you are here. 12:30 you are here. Take a rest and then take a turn. 12:40 you reach here. 12:50 you are here. And 1 o'clock you are here. Right? अभी मैं आपको कुछ इंटरवल बताऊंगा उस इंटरवल में आपको डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है आई विल गिव यू इंटरवल एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ये चीजें आपको बतानी है चलो इंटरवल ले लो आप 12 to 12:30 12 to 1 12 to 12:50, 12:20 to 12:50, 12:10 to 1 o'clock. चल बता
So distance traveled in this interval 12 to 12:30. 12 o'clock से 12:30 में आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। हाय हाय 5 units लेट्स सी कैसे 12 o'clock यहाँ पे थे आप नहीं 12 o'clock से शुरू करके इधर जा रहे हो जा रहे हो जा रहे 12:30 आप यहाँ पहुंच गए तो -1 to 4 आंसर इज 5 units नहीं डिस्प्लेसमेंट भी 5 होगा ना सर displacement is also 5 in fact plus 5 agar main precisely bolu to by default वैसे plus ही होता नहीं बोला तो एक ही बात है तो displacement भी plus 5 है निकाला कैसे तो displacement शायद से मेरे से मिस हो गया तो बताना जैसे position is described by coordinates position is given as xi या x खाली x भी लिख दिया तो अगर books read करोगे ना तो डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट सॉरी पोजीशन एक्स या तो वाई ऐसा डिनोट करते हैं राइट ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डेल्टा एक्स दीज आर द सिंबल्स व्हिच दे यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन राइट सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं x2 माइनस x1 x2 स्टैंड्स फॉर फाइनल पोजीशन कई कई बुक्स में आपको xf माइनस xi भी लिखा हुआ मिल जाए मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट में तो लोड ही नहीं है आपको सीधा देखना फाइनल पोजीशन व्हाट वाज योर पोजीशन एट 12:30 4 माइनस पोजीशन एट 12 o'clock माइनस 1 तो आंसर इज 5 खत्म राइट म्यूट करके रखो बेटा माइक मम्मी गोल चुकी है ना 12 टू 1 Distance traveled in 12 to 1. 2 units. Sorry? 12. Distance traveled in 12 to 1. 12 units. Start kiya. 12 o'clock yahan se start kiya. Aage gaye, aage gaye, aage gaye, yahan gaye. Fir return liya yahan se yahan aa gaye. So, how many units in forward direction? 5 units. 5. Backward direction mein 7. So, 7 unit ho gaya aapka. Distance minus 2. Displacement is minus 2 unit. क्यों है minus 2 unit? Final position. 1 बजे आपकी position minus 3 दिख रही है minus. 12 बजे आपकी position minus 1 थी तो minus 3 minus of minus. That is minus 2 units. Right? बताओ अभी फटाफट आगे के दो examples हैं. बताओ 12 to 12:50 में डिस्टेंस ट्रैवल 9 12 से 12:50 सो 5 प्लस 4 प्लस 4 टोटल 9 यूनिट्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट राइट नहीं लिखा तो होगा 12:20 to 12:50 5 यूनिट्स 12:20 to 12:50. 12:20 आप यहाँ हो 1 unit. 1 unit. 4 units. 5 units. Displacement. Minus 3. Final position आपका 0 and 12:20 का है ये तो minus 3. Right? तो 0 minus 3. Finally 12:10 to 1. 12:10 यहाँ पे आप 1 o'clock यहाँ पे आप. कितना हो गया? 10 plus 10 units. 10 units plus displacement is? Displacement. Minus 4. Minus 4. Final position is minus 3, minus 1. So, alag-alag interval mein. In different intervals, we can determine distance traveled and displacement this way. Right? Ye ek ho gaya. Ab dekho. ये तो बहुत सिंपल है हमने जूनियर क्लास में पढ़ा था अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला आता है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम राइट
ऐसा कुछ दिखा होगा x is 3t minus 5. X is 3t minus 5. What does this implies? This implies at t seconds from the beginning, starting जो आपने motion start मतलब study करना start किया वहां से लेके t seconds के बाद आपका x coordinate इतना होगा तो ये आपकी position हो गई. तो कोई आपसे पूछता है what is position at t equals to zero तो आप क्या बताते हो? Minus five. अगर कोई आपसे what is position at t equals to 4 seconds तो आप क्या बताओगे? Plus 7. तो 4 3s are 12 minus 5 7 right? अब position निकालना आपको आता है. Now let's determine displacement and distance traveled. I'll give you interval 0 to 5 seconds, 5 to 10 seconds, 1 to 10 seconds. Now you have to find distance traveled and displacement. Bata. Bahut easy hai filhal. Next wala difficult dalenge. This is easy. Here I have expressed position as a function of time. You have to answer what will be displacement and distance traveled in given intervals. Chote chote interval diye hain, 0 se 5 seconds ka interval diya. Isme distance traveled kya hoga, displacement kya hoga? बोलो कोई तो स्टार्ट करो. 0 से 5 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ. सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 15 यूनिट्स. कितना सर? 15 यूनिट्स इज करेक्ट आंसर एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी 15 यूनिट्स. कैसे पता चलता है? सी this is number line, ye x equals to 0 hai. At 0 second my position is 3 into 0 0 minus 5 matlab main minus 5 pe khada hu kab 0 seconds pe 5 seconds pe 5 3 is 15 minus hai 10 to x is equal to 10 pe khada hu main t equals to 5 seconds. So what is displacement? Distance traveled is 15 units. And if someone says what is displacement, the displacement be 15 units. So both of them are same. Now what about 5 to 10? Interval 5 to 10. Units. Sorry? 15. Once 10, again, 15 10. Unit. No, 15. See, 5 seconds pe aap kahan pe the x equals to 10 pe? 10 seconds pe aap kahan hoge? 30 minus 5, 25. 25. X is equal to 25. So t equals to 10 seconds pe you will be at 25. So distance traveled kitna 10 se 25 pahunch gaya. So 10 से 25 is 15 units, right? So 15 units is distance traveled. Simultaneously, displacement is also 15 units. 1 to 10? 23. Aha. 27. 27 units. See na? T equals to 1 second pe where you are? 3 ones are 3 minus 5, 2. Minus 2, sorry. Minus 2 pe khade ho? 1 seconds pe. 10 seconds pe? 30 minus 5, 25. So minus 2 se 25. So this distance is 27. Ye 2 or ye 25. What is displacement? 27. Sab same hi chal raha hai abhi. 2 to 8. 18 aayega, ye bhi 18 aayega.
कैसे t equals to 2 seconds पे you are at 1, x equals to 1 पे आप t equals to 2 seconds पे, and t equals to 8, 3 8 is 24 minus 5 19, तो 19 पे खड़े हुआ आप t equals to 8 seconds पे, so 1 से 19 total distance is 18 and displacement is also 18, so दोनों 18 हो रहा है, right? Okay. यहां पे एक assumption आप पूरा टाइम लेके चल रहे थे कि अगर उसने स्टार्ट किया था कहां से t equals, sorry, x equals to minus 5 पे थे आप, and 5 पे आप कहां पहुंच गए थे, 10 पे आप पहुंच गए थे, right? So यहां पे आपने assumption लिया था कि ये 5 सेकंड में रिटर्न आके ऐसा नहीं गया, राइट? तभी आपने डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट कैसा भी करेगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन मतलब, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो 15, यू कंक्लूडेड आफ्टर मेकिंग एन अजम्पशन कि पार्टिकल हैज नॉट टेकन अ टर्न, पार्टिकल ने टर्न नहीं लिया, अगर कहीं से वो रिटर्न आया होता इधर जाके इधर आके फिर ऐसा गया तो आप नहीं बता पाते थे, राइट? तो ये अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें पार्टिकल रिटर्न भी आएगा, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है, ठीक है? तो अब आपको अलग अलग इंटरवल देता हूं मैं, आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट, या पहले पोजीशन ही चेक कर लेते हैं, ठीक है? पोजीशन चेक करते हैं, लेट्स चेक पोजीशन एट डिफरेंट टाइम, तो एट t इक्वल्स टू 0 1 2 3 पोजीशन देखते हैं, पोजीशन 0 सेकंड पे व्हाट इज पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कितना हो गया 6, 1 सेकंड पे 2, 2 सेकंड्स पे 0 5 0 ना, नहीं नहीं 0 5. 4 4 plus 6 10 10 minus 10 0 0 हो रहा ना, 3 पे 0 वापस 0 हो रहा है, देखो 9 plus 6 15 15 minus 15 0, एक और डाल देता हूं 4 सेकंड का, 4 सेकंड में 24 minus 20 that is 4, sorry 22 minus 20 that is 2, yeah. So 0 सेकंड पे पोजीशन इज 0 सेकंड्स पे पोजीशन इज 6 ना, ये इंटरेस्टिंग है ध्यान देना, 0 सेकंड्स पे पोजीशन है 6, ये x equals to 0 है मेरा, यहां पे x equals to 6 है, तो टाइम है 0 पोजीशन है 6, at t equals to 1 पोजीशन है 2, 1 2 3 4 5, तो पोजीशन है 2 at t equals to 1 से, at t equals to 2 पोजीशन है 0, t equals to 2 पोजीशन है 0, at t equals to 3 अगेन पोजीशन है 0 यहीं पे, at t equals to 4 पार्टिकल है सर नहीं, अब यहां कंफ्यूजन होगा कि ये कहां तक लेफ्ट गया है, इतना तो हमने पहले भी देख लिया था 6 से स्टार्ट करके 2 एंड देन 0 फिर यहां रिटर्न वापस 0 आया है और यहां जा, बट ये पीछे कहां तक गया है ये कहां कैसे पता चलेगा, फ्रॉम वेयर डज दिस पार्टिकल टेक्स अ टर्न, हाउ टू फाइंड 2.5 2.5 is correct answer, but आपने निकाला कैसे? वो correct है, 2.5 is correct. Time interval से 3 और 2 में सर same ही जगह है, तो 2.5 में शायद पीछे जाके वो half second में वापस आया, half second में जाके. Okay okay, guess work नहीं नहीं. See कभी-कभी वो 2.37 भी हो सकता है, right? 2.8/3 seconds भी हो सकता है, it can be anything, it depends. अब वही हमको पता करना है, ठीक? तो यहाँ पे एक ऐसी चीज में यूज, मतलब थोड़ा सा जल्दी है वो इंट्रोड्यूस करना, डिफरेंशिएशन,
तो पहले एक छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन बताता हूँ मैं, मैथ्स का बहुत डिटेल टॉपिक। हाँ बोलो, कौन कुछ बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ अभिजीत। हाँ अभिजीत बोलो ना। सर मैं ये पूछना चाहता था, चल क्या रहा बेटा? आज तेरा पहला लेक्चर है तो अभी तुझे बहुत कम समझेगा, जो सुन सकता है जो समझ सकता है सुनते रहो। सर मैं तेरे को अलग से बताता हूँ, वापस से स्टार्ट करूंगा मैं, जितना समझ में आता है समझ। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन है, थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, नहीं समझ में आएगा डोंट वरी, मैं फिर से पढ़ाने वाला। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर सम वेरिएबल एक्स, एक्स रेस टू एन एक फंक्शन दिया हुआ। चलो ये भी नोटेशन डराने के लिए, डरने लगे इसलिए हटा देता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन होता है, ऐसा लिखूंगा मैं, बस आप इसको मन में रीड कर लो एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस एन, बस इतना रीड करो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो अगर मैं पूछू आपसे व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू फाइव, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस थ्री, तो क्या बोलोगे आप? माइनस माइनस थ्री एक्स रेस फोर, थ्री रेस टू माइनस फोर, माइनस फोर। अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो क्या बोलोगे आप? x by 2 की पावर -1 by, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, रूट x मतलब खुद रेस टू हाफ होता है, रूट x इटसेल्फ में, हां 1 by 2 x by 2 की पावर 1 by 2 x x रेस 3 by 2 सर। ये देखो ना, इधर हाफ है ठीक, हाफ x रेस टू हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ x रेस टू माइनस हाफ हो गया। आंसर इज x रेस टू हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ x रेस टू माइनस हाफ, ठीक। 1 बाय x रेस टू 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ बोलो, ट्राई करो। 1 by x raised to 3 is what power of x? x की power minus 3. ये और ये question same ही है, तो answer minus 3 x raised to minus 4 ही आएगा। So differentiation of 1 by x cube is also minus 3 x raised to minus 4. Right? अब देखो, differentiation of constant, differentiation of constant. ये लिखता हूं मैं k, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट मतलब k इनटू x रेस टू कितना, कांस्टेंट है x का टर्म नहीं, मतलब x का पावर कितना है? जीरो नहीं, या चलो पहले दूसरा बताता हूं, 3x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x रेस टू 4 अकेले का डिफरेंशिएशन क्या था? व्हाट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू 4? 4x raised to 3. 4x raised to 3. तो 3 into x raised to 4 है, तो 3 जो multiplication में उसको ऐसे छोड़ दो, x raised to 4 का हो गया 4x cube. तो आंसर आ गया 12x cube. ठीक है? अगर कोई बोले differentiation of minus 15x raised to 7, तो क्या आएगा? Minus 15x raised to 7 का differentiation? Minus 105 x raised to 6. x raised to 6, minus 15 ऐसे रख दिया, 7 x raised to 6, तो 15 7 जा 100 होता है। अब बताओ 3 का, sorry, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x है ही नहीं वहां पे, x नहीं है मतलब x की कौन सी पावर है? 0, 0, there is no term of x, मतलब we have x raised to 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3 into x की पावर माइनस 1,
जीरो कैसे थ्री लिखा आपने जीरो एक्स रेस टू पावर माइनस वन बट जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो ना तो सब खत्म हो गए ना कहानी सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है जब एक्स का टर्म हो ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 15 आंसर क्या लिखोगे आप जीरो जीरो समझा ओके अब इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 5x^4 + 7x^1 क्या आएगा आपको प्लस माइनस से डरना नहीं है दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस कर देना खत्म तो आपको सोचो 5x^4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x^4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 20x^5 + 7x^0 + 7x^0 मतलब 1 तो 7 3x³ - x² + 18 इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 9x² - 2x + 18 नहीं जीरो बोला तो जीरो सर अच्छा जीरो बोला था क्या ओके गुड तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ठीक है तो ये डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनफैक्ट मैथ्स में तो ये 11th में 12th में बहुत वेटेज है इसका बट अभी अपने काम की चीजें मैं बता रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है और मैं भी पढ़ाऊंगा अभी बट मैं थोड़ा वहां टाइम जाएगा मुझे t = 0